स्वामी जी, एक साधक व्यक्ति का भोजन आहार कैसा होना चाहिए? हम संसार के लोग जो हैं आजकल अतिशय मात्रा में मांस, अंडे आदि अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करते हैं, तो मुख्य रूप से हम ये समझना चाहेंगे कि मांसाहार में क्या दोष है और अपने शास्त्रों में मांसाहार के विषय में क्या कहा गया है। ठीक है, देखिए मांसाहार को तो पाप कहा गया है, मांसाहार करना अधर्म है क्योंकि इससे हिंसा होती है। इसलिए मांस खाना साधना की दृष्टि से तो अत्यंत हानिकारक है ही, विरुद्ध है ही, लेकिन सांसारिक व्यवहार के दृष्टिकोण से भी हानिकारक है, क्योंकि हम किसी जीव को सुख दें यह हमारा कर्तव्य होता है, किसी को दुख दें यह कर्तव्य नहीं है। कहते हैं ना, जियो और जीने दो, ये सिद्धांत अपना है। तो हिंसा का धर्म तो अपना है ही नहीं, अहिंसा परम धर्म कहा है। हाँ, जो कोई दुष्ट है उसको दंड देंगे, लेकिन निरीह पशु हैं, अबोल जीव हैं, इन पर हिंसा करना, इनकी हत्या करना, ये तो सरासर अन्याय है, अधर्म है। और केवल जो मारता इनको है, हत्या करता है, इसको ही पाप नहीं लगता है, 8 प्रकार के लोगों को पाप लगता है। जैसे कि कोई मांस खाता है उसको भी पाप लगता है, कोई मांस पकाता है उसको भी पाप लगता है, कोई मांस का विक्रय करता है, बेचता है, उसको भी पाप लगता है, और कोई मांस को खरीदता है उसको भी पाप लगता है, और कोई साक्षात उसकी हत्या करता है, जीव हत्या, उसको ही पाप लगता है, और कोई हत्या करने की आज्ञा देता है तो उसको भी पाप लगता है, और कोई मांस को परोस रहा है, जैसे माताएं बहनें मांस को पकाती हैं और परोसती हैं, तो उनको भी पाप लगता है, यहाँ तक कि बर्तन धोने वाले को भी पाप लगता है, ये सब के सब उसमें सहयोगी बन जाते हैं। तो न मांस खाना अच्छा है, न मांस पकाना अच्छा है, न उसको परोसना अच्छा है, न उसका बर्तन धोना अच्छा है, कोई भी अच्छा नहीं है। और उसको काटना और बोटी बोटी करना, मारने की आज्ञा देना, ये तो कतई धर्म के अंतर्गत आएगा ही नहीं, ये सरासर अधर्म है। तो शास्त्र ये कहता है कि किसी भी प्राणी को दुख देना वो हिंसा है, ये धर्म के विरुद्ध है। तो शाकाहार ही हमारा मुख्य आहार होना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति।